आज आपको आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह और उत्तराखंड पुलिस के दारोगा का वीडियो दिखाएंगे। देखिए दोनों में किस तरीके से बहस होती है। मैंने कहा भाई इसके परवेज से मुझे मिलवा दो, इसके साथ फोटो हो जाएगा, फेसबुक पर अपलोड हो जाएगा, लोगों लग जाएगा भाई वो ये जो है बंदा हमने छुड़वा लिया है। इतनी सी बात पर भड़क रहा है बिना बात के। कौन भड़क रहा है? देखिए मैं यहाँ से अगर आप चाहते हैं मैं यहीं बैठ जाऊँ तो मैं यहीं बैठ जाऊंगा, जब तक ये परवेज को लाने के लिए जब तक मैं उठने का नहीं। ना ना मुझे क्या, तुम मुझे डिटेन कर लो, फायदा क्या होगा? ना मैं नीचे नहीं उतरने का। मैं गाड़ी तो खड़ी रहा अंदर गाड़ी। आप मुझे एक बात बताओ प्रदीप भाई, हाँ तो मैं आपकी हर बात मानता हूँ, एक तक बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम एक तरफी कार्रवाई कर रहे हो, हम उसमें कुछ नहीं कह रहे हैं यार, ये तरीका थोड़ा ही हुआ करे। उस बंदे ने मेरी बात सुनो, उस बंदे ने वहाँ जाकर सिर्फ ये कहा भाई मेडिकल के आधार पर तुम इनकी भी कार्रवाई करो इनकी भी करो, और फिर वहाँ लास्ट में बजरंग दल के लोगों ने जाकर उनकी गाड़ियाँ तक तोड़ दी, गाड़ियाँ तक फूंक दी। दरअसल एक मामले को लेकर प्रदेश अध्यक्ष अपना विरोध जता रहे थे, लेकिन पुलिस उन्हें आगे नहीं जाने देना चाहती थी। इस पर लगातार नेता और पुलिस के बीच बहस होने लगती है। उनकी लड़कियों तक मारा है यार, हम जब भी नहीं बोल रहे, हम कह रहे हैं हम बादराबाद नहीं जा रहे हैं, फिर भी लड़के को उठा लिया, इसमें तो हमारी बेइज्जती है ना यार। प्रदेश अध्यक्ष यहाँ बैठा है और तुम लोग जो है एक कार्यकर्ता को उठा रहे हो, हिम्मत है तो मुझे उठाओ भाई, कॉल तो मैं ही दूंगा ना। मैं वजूद को पहचान रहा हूँ, जब तो मैं नीचे नहीं आ रहा हूँ। बड़े भाई आप देखे, आपका मैं बहुत सम्मान करता हूँ अंकुश भाई, ये चीजें ठीक नहीं है बिल्कुल भी। आप उसे बुलवा लो गंगनेर थाने से, मैं तैयार हूँ नीचे उतरने के लिए। आप मुझे डिटेन करो ना, कार्यकर्ता क्यों डिटेन कर रहे यार? नरेंद्र भाई आप समझ नहीं रहे बात को, मामला बहुत पेचीदा है। हम बिल्कुल हम बादराबाद नहीं जा रहे, हम कह रहे हैं बादराबाद नहीं जा रहे हैं। मुझे पता है सुनने के लिए क्या होगा नीचे उतरते ही। आप जो है मुझे भाई उन्हें रामपुर चुंगी से लड़कों को कह दो कि यहीं आ जाएं, इसमें सिविल लाइन कोतवाली में, ठीक है? चलो सिविल लाइन कोतवाली, चलो चल भाई गाड़ी सिविल लाइन कोतवाली। मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे ये तो बताओ। तो आपने देखा किस तरीके से पुलिस और नेता के बीच बहस होती है। हालांकि बड़ी ही सख्त लहजे में नेता और पुलिस बात कर रहे थे, लेकिन पुलिस वालों ने अपने ही अंदाज में मामले को शांत कराया। तो इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, देश और दुनिया की ऐसी ही अलग अलग खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ टाइम्स 24 के साथ।